चलिए बनाते हैं कच्चे केले का बहुत ही टेस्टी कोफ्ता। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कच्चे केले को 2 सीटी आने तक बॉयल कर लेंगे। केला जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए इसके बाद इसे हम छील लेंगे। इसे छील लेने के बाद इसे हम मैश कर लेंगे। केले को बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करें जिससे कि एक भी गुठली ना रहे इसमें। देख सकते हैं केले को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से मैश कर लिया। इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटे हुए प्याज, 1 हरी मिर्च, इसमें हम डाल देंगे अब हरा धनिया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इन सभी को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार केले के साथ। इन सभी को मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे अब बेसन। इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच बेसन। बेसन को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सभी को। इन सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बेसन और केले को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हाथों पे थोड़ा तेल लगा लेंगे और इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। पैन में तेल गरम कर लेंगे, इसमें डाल देंगे बॉल्स को, एक एक करके डालते जाएंगे। इसे हमें बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। कोफ्ता बॉल्स बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे निकाल लेंगे हम। ग्रेवी के लिए लेंगे 1 प्याज, 1 टमाटर, 8 से 10 लेंगे लहसुन की कलियाँ, इसे हमने बिल्कुल अच्छी तरह से छील लिया है, इसे भी डाल देंगे। 1 टुकड़ा लेंगे अदरक का, इसे हमने छोटा छोटा कर लिया है इस तरह से। ढक्कन लगा के इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पीस लेंगे। पैन में तेल गरम कर लेंगे, इसमें डाल देंगे पेस्ट जो हमने अभी तैयार किया है। इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे इस तरह से। इसे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें डाल देंगे हम मसाले। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अब हम डाल देंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले से तेल अलग हो जाने तक इसे हम भून लेंगे। देख सकते हैं मसाले को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से भून लिया है। मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। इसमें डाल देंगे हम 1/2 ग्लास पानी। इसे मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी में उबाल आ जाने देंगे। इसमें हम डाल देंगे अब कोफ्ता बॉल्स। बॉल्स को डाल के एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक बॉयल करेंगे ग्रेवी के साथ। कोफ्ता बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे हम सर्व कर लेंगे अब। टेस्टी कोफ्ता बनकर बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं। हाँ, रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।